अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम तैयार व्यार हो के रेडी हुए हुए थे कहाँ पे जाने के लिए? हॉस्पिटल बिटी के चेकअप के लिए जाना था, लेकिन बारिश हो गई। हैं? और क्या रहा? कल भी हो गई, परसों भी हो गई। कल भी जाना था, कल भी बारिश हो गई, तो मसला हो गया। चलो अब हम कुछ और इंजॉय करते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। अब हम बारिश ही इंजॉय कर लेते हैं, बारिश तो रोज ही करते हैं, तो चलो बने रहे हमारे साथ। बादल बने हुए हैं कराची में, बच्चे बारिश इंजॉय कर रहे हैं, सो रही है और मेरी दोनों गाड़ियां गीली हो गई। ओए दरवाजा बंद कर, बच्चे घुसे हुए हैं मेरे, बहुत सारे लोग घर घुसे हुए हैं गाड़ी के अंदर बैठे हैं। मौसम ठीक है, मैं जा रहा हूँ आलू और वो लेने मसाला वगैरह जो डलेगा बीच में, वो सब्जी वाला खड़ा हुआ, बारिश हो रही है। प्रोग्राम कैंसिल कर दिया डॉक्टर के पास जाने का, क्योंकि बारिश हो, बारिश बहुत हो रही है। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम शुरू कर दिया पकौड़े बनाने का, मौसम अच्छा है, पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। ठीक है, तो अभी बनाते हैं पकौड़े और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बिट्टी प्याज काट रही है, उसके बाद क्या क्या काटेगी देखते हैं। प्याज काटे, अब काट रहे हैं पालक, क्योंकि हम लोग पालक भी डालेंगे, पालक भी डालते हैं आज, जो दिल कर रहा है जो दिल कर रहा है डाल सकते हो, इससे ये है ज्यादा टेस्टी, टेस्ट बढ़ता है, अच्छे लगते हैं, जितना कुछ डालो उतना टेस्ट बढ़ता जाता है, कम डालोगे तो कम टेस्ट आएगा। ये बेसन और बाकी मसाला भी डाल के फटाफट जाकर तो मुझे भूख लगी, फटाफट बना लो। तब तक मैं खट्टे अनार खाता हूँ, खट्टे सब काट वाट के रख लिया है। ठीक है, इसको मिक्स करेगी बिट्टी अभी। तो इसमें क्या क्या डाला है बिट्टी? इसमें डाला है पालक है, आलू और वो है धनिया और पालक है, आलू है और धनिया, और ये जो है ना ये लैदा रखे हुए बैंगन, इसके भी पकौड़े बनाएंगे। हाँ, इसके ऊपर वो लगा के ना, और ये है हरी मिर्ची और प्याज। ठीक है, ये है और ये ही सब कुछ डलेगा, और बेसन अभी डालेंगे। ठीक है, और बिट्टी खा रही है अनार, अनार बहुत खट्टे थे, ये मैंने अपने लिए छीला था लेकिन ये पहले ही खत्म हो गया, मैंने इतनी मेहनत करके छीला पहले ही खत्म, मैंने अभी खाया थोड़ा। तो चलो अभी इसको मिक्स करते हैं। फिलहाल तो बारिश गई है और बिट्टी जो है ना मिक्स करने लगी है बीच में बेसन। तो माशाल्लाह हम इसलिए ज्यादा बना रहे हैं, आप बोलेंगे ना रात में बना रही है, तो माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, हमारी फैमिली बड़ी है, इस वजह से। हाँ। फिर इधर उधर के भी आ जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा, ये देखे इधर उधर के, इधर उधर के, इधर उधर के, हाँ ना, तो मैंने बोल दिया ना इसमें क्या, ये भी अपने ही है, ये हमारी भाभी है, ये देखे इधर उधर के, इधर उधर के नहीं मेहमान आ जाते हैं, ये भाई का और अम्मा का, ये देखे इधर उधर के टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। कर लेंगे बेसन, ठीक है हम लोग अच्छे से, तो फिर बस घी गरम करके चलो जी पकौड़े रेडी, पकौड़े बनाना बहुत अच्छा, लेके थोड़ा सा डालना नहीं होता, वैसे सही गलते नहीं है ना, क्योंकि ऊपर से तो और बाद में मैं खाऊंगी बस, नमक मिर्ची भी डाल दी और थोड़ा कम करो, हाँ कम करो, मीठा सोडा भी डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं डालना चाहिए मीठा सोडा, और सैम बहुत मस्ती कर रहा है। ये हो गया जी हमारा मसाला, हाथ से करो बेटी, नहीं एक मिनट करती हूँ जान, फिर वो हरी मिर्ची जलन होती है। अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है पकौड़ों का, अभी फटाफट हम निकालते और खाने वाले बनते हैं। और क्या भूख लगी है किचन में, और बिट्टी रखेगी अभी घी को ऊपर, हमने फ्राई पैन रखा अभी इसके अंदर घी, मुझे माचिस नहीं मिली, बाजी मारिया ने अभी चूल्हा जलाया। ठीक है, इटली से कॉल आ गई है और घी हमारा हो रहा है गरम। हाँ, वो बोलते जब तक हम वीडियो नहीं देखे हमें नींद ही नहीं आती, घी हो रहा है गरम और ये बेसन भी रेडी हो गया सब, और ये जो कप हैं ये उठा के हम इधर रख देते हैं। इटली से आई है कॉल बिट्टी, यहाँ पे ये मसाला और ये हमने छोटा सा एक पकौड़ा डाला है, पहले इसका हम चेक करेंगे नमक और मसाला, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे, पहले
उसके बाद हम और निकालेंगे, और निकालेंगे फिर साथ में एंजॉय करेंगे। फटाफट पक गया, मैं खा लूं और आपको भी एंजॉय कराएंगे और आप बारिश में पकौड़े। वाह पकौड़े, वाह। नमक मिर्ची चेक कर ली और कैसे लगे? सही, जबरदस्त। बस अब बनाओ। तीन तीन चम्मच रखे है उसके अंदर। आप नहीं रखे? मैंने तो, मैं तो अभी आई हूँ। तो ये देखें, मजे मजे के पकौड़े निकलना हो गए तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी सही गर्म हो गया। एक बैंगन भी डालो, वो भी चेस्ट करो। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही वैसे ही आएगा, खाली आएगा। ये चीज, एक पकौड़ा हो गया तैयार, बाकी हो रहे हैं। पक रहे हैं? हाँ पक रहे हैं। सही, लाल करो थोड़े। हाँ हाँ लाल कर दी, थोड़े कच्चे हैं अभी ना, इससे नहीं करो। और ध्यान से फुल, क्योंकि घी बहुत खतरनाक है। सैम को बाहर ले जाओ। सैम आप आ जाओ इधर, मैं बना के दे रही हूँ ना आपको। हाँ बना के देते हैं ना आपको। चलें जी, बनने वाले। ये देखें देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकौड़े के। सैम आप पीछे हो जाओ, मुझे बच्चों से बड़ा डर लगता है। आगे आगे आता है, ये देखो। खा खा, फिनिश कर। सैम खा रहा था, माशाल्लाह कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे हैं। माशाल्लाह इतने सारे पकौड़े बन गए और ये वाले बन रहे हैं। और गैस जो है वो बहुत हो गया, कराची में गैस भी कम हो जाता है ना, तो ये पक नहीं गए। नहीं, चलो कभी तो पक जाएंगे। कोई बात नहीं होती, वो क्या बोलते हैं, मौसम जब ऐसा होता है ना तो हर जगह ही बंद हो जाता है। अच्छा बने, बहुत टेस्टी बने, मैं चेक कर रही हूँ। बहुत ही मजे के और बहुत ही टेस्टी बने। अगर आप लोगों ने भी बनाने हैं तो बिल्कुल पिट्ठी की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो गैस कम हो गई है और ये जो है ना ये बच गए, और ये तो ज्यादा बेसन बेसन ही, आलू खत्म हो गए इसमें। हाँ, इसमें एक दो आलू और डालेंगे फिर बनाएंगे, क्या कहती हो? हाँ तो बारिश में बहुत मजा आया पकौड़े खाने का, हम लोगों ने साथ साथ में खाए भी हैं और साथ में चाय भी पी, साथ में चाय भी पी और अच्छे लगे। चाय भी बनाई थी मारिया बाची ने। हाँ। बाकी अच्छी थी चाय, अच्छी थी। तो पकौड़े हमारे बन चुके हैं, तो बस हम लोगों ने आज इंजॉय किए मौसम के साथ पकौड़े। सारी फैमिली बैठी हुई है। तो मैं सुना ना, अगर आपने पकोड़े खाने हैं तो आ जाओ। हाँ तो इसके मामू की बेटी का भी चैनल है। मम्मा की बेटी का नहीं है, मम्मा उसकी वाइफ है, शाजिया। अच्छा हाँ, शाजिया ब्लॉग चैनल है, इसके मामू का भी चैनल है, और वो भी आप लाजमी विजिट करें। हाँ, इसका मामू खुद भी कुकिंग करता है। बहुत कम ही मतलब सब्सक्राइबर नहीं उनको मिले, तो जाके जरूर उनको सब करना, ठीक है आप लोगों ने। हाँ सब जाके करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।